उत्तराखंड के उधम सिंह के दिनेशपुर थाना परिसर में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ग्रामीण महिलाएं अपनी नाबालिग बच्ची को बरामद करने के लिए पुलिस के पास थाने पहुंची। इस बीच थाना परिसर पर किसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों और ग्रामीण महिलाओं के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते पुलिसकर्मियों एवं ग्रामीण महिलाओं के बीच धक्का मुक्की होने लगी। पूरा मामला क्या है, कोई रिपोर्ट ही नहीं लेता था और अब परेशानी हो गई है हमें। वो सरदार के साथ गई है, उसका पूरा पता बता दिया, ये लोग सारा काम करके दिया और तब भी हमको कोई कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है और कह रहे हैं अभी टाइम लगेगा। वाले टाइम कब से लगेगा, 6 दिन हो गए, मेरी लड़की 15 अगस्त से गायब हुई है और लगा ले वो सरदार लोग मार देंगे तो किनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाप को पकड़ के लाए 15 अगस्त के दिन के बाद 16 जनवरी वो उसको तो क्या कहते हैं उसको लेके आया 16 तारीख को, तो वो भी छोड़ दिया शाम को। एक नाबालिग बच्ची से संबंधित एक मामला है जिसमें हमारे द्वारा FIR दर्ज कर दी गई है, जिसमें एक विशेष टीम बनाई गई है जिसमें रजनी गोस्वामी को प्रभारी बनाया गया हुआ है और कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, एक सब इंस्पेक्टर प्रीति उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और जल्दी से जल्दी हम इसे बरामदगी करने का प्रयास कर रहे हैं। गाँव वाले वहीं आके पुलिस से काफी बदतमीजी कर रहे हैं, धक्का मुक्की हो रहा है, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? नहीं, उनका कहना यह है कि जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए हमारी बेटी को। तो स्वाभाविक सा रहता है कि किसी की बच्ची अगर गुम हुई रहती है तो मन में थोड़ा सा आक्रोश रहता ही है, तो उनकी बातों को सुना और समझाया और समझ भी गए और पुलिस को भी कोऑपरेट कर रहे हैं और हम भी जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत बरामद करेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।